कर दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि प्रीता और करण के बीच में इस समय और दूरियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जहां प्रीता इस समय सबसे ज़्यादा बिजी चल रही हैं करण के भाई को छुड़ाने के लिए, क्योंकि ऋषभ को घर में लाने के लिए वो इस समय 100 काम को छोड़कर और इस समय जो कि ऋषभ की मदद कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, करण जो कि घर में जो अनाउंस किया है उसने अपनी इंगेजमेंट को लेकर, उससे घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा शौक हैं, क्योंकि इधर प्रीता कर रही है कि किसी भी तरीका से पृथ्वी और साथ में सैलन जो कि एक्सपोज हो जाए, इनकी पोल पट्टी सभी घर वालों के सामने आ जाए कि इन लोगों का कितना घिनौना चेहरा है। लेकिन करण इस चीज़ को समझ नहीं रही प्रीता की को, और लगातार जो कि प्रीता को अब दुख देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ही जिस तरीका से वो घोषणा करते नज़र आएंगे इंगेजमेंट की, उससे काफ़ी घर वाले जो कि शौक रहते हुए नजर आएंगे कि आखिर ये कह क्या रहे हैं और करण ऐसे कैसे अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रीता ने हमेशा से ही इस घर के बारे में काफ़ी कुछ सोचा है। वो यहाँ पे पैसे के लिए या अपने नाम के लिए नहीं आई, बल्कि वो सब कुछ ठीक करने के लिए आई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घर के सदस्यों की इज्जत करती हैं, और जो इज्जत वो करती हैं वो इज्जत इस घर में शायद ही कोई किसी की करता हो। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ, जहाँ पर करण एक बार फिर से अपनी और नताशा की इंगेजमेंट की घोषणा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड में नताशा को भी इस घर से होना पड़ेगा बाहर, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नताशा को घर से बाहर इसलिए ना होना पड़ेगा क्योंकि उसकी सभी चाल जो कि इस समय प्रीता देख चुकी है, और नताशा को भी एहसास होगा कि प्रीता के हाथ में पूरी चाल हैं, और जल्दी ही नताशा होगी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए धक्का मार के बाहर। वहीं पृथ्वी जाने जा रहा है जेल, और जल्दी ही जेल जाने के बाद में उसे एहसास होगा कि आखिरकार उसने कितना गंदा किया है, और प्रीता को धक्का मारकर घर से बाहर निकल जाएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।